श्री कृष्ण कहते हैं, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझ, जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ पर सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपने जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। संयम रखना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है मेरी। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो किसी के। अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चैलेंज ये है कि आपने वो चीज करना बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते तो वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो
रास्ते भी नहीं देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है, पहले अपने जैसा बनाते फिर अकेला छोड़ देते हैं। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से भगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको जरूर बोलना चाहिए। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं। जिंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पे पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। हम टूटे हुए, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है आप अकेले रहना ही सीखो। मोहब्बत और नफरत करने को तो दो मामूली शब्द हैं, यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफान का आना भी जरूरी है आपकी जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। धूप कितना भी तेज हो समंदर नहीं सुखा सकता, पंखों को खोल के जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। मुश्किलों से कह दो हमसे हर हालात में, उलझा ना करे हमसे। हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें, खुद की तरक्की में इतना वक्त।